हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और क्या मैच था का मज़ा आ गया। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज़र हैदराबाद, जैसा कि हम जानते थे कि ये मैच बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोनों के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों है। दोनों बहुत ही अच्छा खेले और बहुत ही अच्छा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। तो आपने एक चीज़ देखी, जहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने सेमीफाइनल खेला और वो भी 131 रन बहुत कम थे। अगर आपको सेमीफाइनल जैसे मैचेस खेलने हैं तो स्कोरिंग हाई होने चाहिए, तभी आप अगले पे प्रेशर डाल सकते हो और मैच को जीत सकते हो। वही किया दिल्ली कैपिटल्स ने, और जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की, पहले 10 ओवर को डोमिनेट किया और इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहे। वो अगर धवन आउट नहीं होता तो शायद 200 से भी ऊपर हो जाते, लेकिन जिस तरह से काबिल तारीफ बैटिंग की उन्होंने, वाह मज़ा आ गया। और यही होता है कि जब आप बड़े टोटल्स को बनाते हो तो अगले टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में खेलती है, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग के अंदर इतने बड़े टोटल को चेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यही है आज की सीख कि अगर हम इम्पोर्टेंट मैचेस खेल रहे हो तो अपना बेस्ट दो और टीम को जिताओ। सो वी विल मीट अगेन इन द फाइनल्स। टिल देन गुड बाय एवरीवन, हियर देसी क्रिकेट एंड देसी स्टाइल।